दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका पटेल। आज सप्तमी है तो सबसे पहले आपको हमारी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बीजो उपचार कार्यक्रम द्वारा किसान हो रहे हैं लाभान्वित। अच्छे फसलों उत्पादन के लिए आवश्यक है मिट्टी और नमी संरक्षण। निकाय गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। अब समाचार विस्तार से। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोग मुक्त और कीट मुक्त हो। रोग मुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती है। मिट्टी के साथ नमी का संरक्षण अच्छी खेतीबाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातों पर ध्यान देने से मिट्टी और नमी संरक्षित की जा सकती है। जैसे भूमि के हिसाब से फसल का चुनाव करें ताकि मिट्टी में बची नमी से बीज का अंकुरण हो सके। इस नमी को ज़्यादा दिन तक संरक्षित रखने के लिए खेत के पुआल या पत्तियाँ बिछाना चाहिए। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। खरीफ फसल काटने के तुरंत बाद रबी फसल लगाएं। साथ ही जल छाजन के अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के साथ ही वर्षा जल को तालाब में बांधकर रखना चाहिए। इस पानी से खरीफ फसलों को सुखाड़ से बचाया जा सकता है और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई की जा सकती है। सब्जियों की खेती करने वाले किसान यदि भिंडी की फसल लगाने के इच्छुक हैं तो वे कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित उन्नत प्रभेद अर्का अनामिका पूषा A4 और परभनी क्रांति नामक बीजों की बुआई कर सकते हैं। भिंडी की यह प्रभेद झारखंड की मिट्टी एवं जलवायु में अच्छी उपज प्रदान करती है। अर्का अनामिका पूषा A4 और परभनी क्रांति भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मुख्य है। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। इन किस्मों के 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 150 से 200 क्विंटल उपज पाई जा सकती है। टमाटर की फसल को अल्टरनेरिया रोग ज़्यादातर नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। इस बीमारी में पौधों के पत्तों को ज़्यादातर नुकसान होता है। इसकी वजह से पौधे सूखने लगते हैं। फसल को इस रोग से बचाने के लिए कृषक ब्लू कॉपर नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इस दवा का इस्तेमाल कितना और कैसे करना है जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। टमाटर की खेती में एक बीमारी आता है, अल्टरनेरिया नाम का बीमारी आता है, जिसका आक्रमण अगर हो गया तो वो पत्ता को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा जाता है और आपको लगेगा कि आपके खेत में केवल टमाटर के पौधा में केवल फल ही लगा हुआ है, लेकिन पत्ता भी रहना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित दवा जो बाज़ार में उपलब्ध है, ब्लू कॉपर के नाम से, ब्लाइटॉक्स 50 के नाम से उपलब्ध है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बना करके इसका छिड़काव करना चाहिए। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेतीबाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। यह उपकरण वैसे तो निकाय गुड़ाई कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाय गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाय करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। खेती करने से अपने परिवार चलाने के लिए खाने को भी मिलता है और बाजार में बेचने का काम भी आता है। पशुपालन भी करते जी हैं। पशुपालन भी करता हूँ, बैल बकरी गाय हैं और मछली का भी पालन करता हूँ। गाँव में ही किसान बन के खेती बाड़ी का काम करे, उसमें अधिक से अधिक फायदा होगा। अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस,
देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस, जमशेदपुर अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस, मेदिनीनगर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस, धनबाद अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में आपने देखा कि किसान भाई बहन अपनी खेती को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, साथ ही जाना मौसम का हाल भी। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। सूखा हो या पे मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसानों को हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है, यानी कि ज्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर हैं। लेकिन अब हाईटेक हो चुके जमाने में उनका व्यवसाय के तरफ भी नजरिया काफी बदला है। अब वो दूसरे व्यवसाय से जुड़कर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। ऐसा ही एक व्यवसाय है लाह की खेती। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि लाह की खेती से किस तरह से ग्रामीण लाभान्वित हो रहे हैं। स्वरोजगार के लिए लाह की खेती कम पूंजी और कम समय में अच्छी आमदनी का जरिया बन सकती है। लाह की खेती कर ग्रामीण आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लाख या लाह संस्कृत के लाक्षा शब्द का अपभ्रंश समझा जाता है। संभवतः लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम लाक्षा पड़ा था। लाख एक प्राकृतिक राल है, बाकी सब राल कृत्रिम है, इसी कारण इसे प्रकृति का वरदान भी कहते हैं। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक भाषा में लाख को लेसिफर कहा जाता है। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। आज हम आ पहुंचे हैं रांची जिला के नामकुम स्थित भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र में, और हमारे साथ यहाँ के निदेशक डॉक्टर के शर्मा जी हैं। आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से किसान जो लाह की खेती करते हैं वो किस तरह से स्वरोजगार पा सकते हैं। आइए उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। झारखंड के लिए लाह उत्पादन एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है और यहाँ के किसान काफ़ी समय से पहले से लाह के साथ जुड़े हुए हैं। तो लाह में अगर आपको रोजगार प्राप्त करना है तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले लाख की खेती करना, उसके बाद लाख की खेती करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उस पर आधारित आप लघु कुटीर उद्योग लगाना, और तीसरा है प्रशिक्षण प्राप्त करके लोगों को ट्रेनिंग देना। इन दो या तीन तरीकों से आपको रोजगार मिल सकता है। लाह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला रंगीनी और दूसरा कुसमी। रंगीनी लाह की खेती पलाश और बेर के वृक्षों पर किया जाता है, जबकि कुसमी लाह की खेती कुसुम और बेर दोनों वृक्षों पर किया जाता है। वैसे तो लाह का उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन से लेकर कई चीजों को बनाने में किया जाता है, पर लाह से बनी रंग बिरंगी चूड़ियां हर नारी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनका भारतीय संस्कृति से अटूट रिश्ता है, कोई भी शुभ अवसर हो इनके बिना श्रृंगार अधूरा माना जाता है। लाख की खेती अगर आप करते हैं तो लाख की खेती पौधों पर होती है या बड़े पेड़ों पर होती है, जिनमें कुसुम, पलाश, बेर और सेमीलता के पौधे हैं। तो खेती करने से पहले जैसे किसान भाई जमीन तैयार करते हैं, उसी प्रकार हमें पौधे या पेड़ को तैयार करना होता है। तो पहले पौधों की कटाई छटाई करते हैं, उसके बाद नई डालियां आने के बाद उनके ऊपर बीहन लाख चढ़ाते हैं, फिर उसके ऊपर दवा का छिड़काव करते हैं और उसके बाद पेड़ से लाख को काटते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें पारिश्रमिक के लिए मनुष्यों की जरूरत होती है या लेबर की जरूरत होती है। झारखंड के कई जिलों में इस काम को करने वाली महिलाएं अपने मेहनत के दम पर आय का बड़ा स्रोत इस काम से प्राप्त कर रही हैं। जानकार कहते हैं कि अब तक लोग जंगलों में पेड़ की लकड़ियां काटकर जलावन, दतुवन और घरेलू उपयोग के लिए लकड़ियों को ले जाते थे, लेकिन अब ग्रामीणों का रुझान बदला है, लोग लाह की खेती पर अधिक जोर दे रहे हैं। अगर हम खेती के बारे में बात करेंगे तो जैसे कुसुम पे अगर खेती करते हैं और अगर हम 100 पेड़ लेकर चलते हैं
तो 100 पेड़ों पर लाख की खेती करने के लिए लगभग आपको 200 मैनडे जनरेट होते हैं, यानी 6 महीने के अंदर 200 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, 200 मैनडेज बनते हैं। इसी प्रकार आप पलाश पे करेंगे तो 50 के लगभग और बेर पे करेंगे तो लगभग 100 के आसपास मैनडेज जनरेट होते हैं। वहीं जंगल के आसपास रहने वाले लोगों ने अब पलाश, कुसुम और बेर के पेड़ों को काटना छोड़ दिया है। मेहनत और वन विभाग के सहयोग से अब वन आधारित रोजगार इन्हें मिलने लगे हैं। तो जो किसान भाई लाख की खेती करते हैं और काफ़ी मात्रा में खेती करते हैं, वो चाहें तो उससे छोटे छोटे उद्योग, जिन्हें लघु कुटीर उद्योग कहते हैं, वो भी लगा सकते हैं और आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले जो लाख की खेती कटाई करने के बाद जिसकी ज़रूरत होती है वो है प्रसंस्करण, यानी लाह में अशुद्धियाँ बहुत होती हैं जब आप लाख को पेड़ से काटते हैं, तो उन अशुद्धियों को दूर करना, उसके लिए हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है मशीनों का, जिसमें 3 या 4 छोटी छोटी मशीनें आती हैं और उनकी कीमत लगभग सभी मशीनों की 1.5 लाख यानी 1.5 लाख के करीब कीमत है। उनको घर पे लगा के जो किसान भाई लाख की खेती करते हैं वो वहाँ पे प्रसंस्करण के लिए या अशुद्धि निवारण के लिए लाख लेके आ सकते हैं और अशुद्धियों को दूर करके उनको वापस दे सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि जिस तरह से गाँव में आटा चक्की होती है, लोग गेहूँ लेके आते हैं और आटा पिसवाने के बाद पैसे दे के वापस ले जाते हैं, उसी प्रकार से छोटे किसान अपनी अशुद्ध लाख को उस प्रसंस्करण मशीन के पास लेके आ सकते हैं और जिस किसान ने वो मशीनें लगाई हुई हैं वो अशुद्धियां दूर करके वापस उनको कुछ पैसे लेके वापस लौटा सकता है। एक तो ये रोजगार का साधन हुआ। पेड़ों पर लाख के कीड़ा वाली टहनी को बांध देने से गाँव वालों को लाभ मिलने लगा है। इसके लिए बाजार भी है। इस कारण लोग जलावन, दतवन और घरेलू उपयोग के लिए पेड़ों को काटना छोड़कर लाह की खेती की ओर ध्यान दे रहे हैं। इसमें युवा पीढ़ी भी इस ओर आकर्षित हो रही है। किसान भाई सब जानते हैं कि लाख की खेती करने में हमें 3 उत्पाद मिलते हैं, एक लाख जिसको रेजिन भी बोलते हैं, दूसरा रंग और तीसरा मोम। इन पे आधारित बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं। अगर हम रेजिन की ही बात करेंगे तो उससे आप घर में बैठ के जो महिलाएँ हैं खासतौर पर वो चूड़ियाँ बनाने का उद्योग लगा सकती हैं, या जैसे चुनाव जब आते हैं नज़दीक में तो लैक वैक्स होता है जिसको हम सीलिंग वैक्स भी बोलते हैं, उसकी बहुत बड़ी डिमांड होती है, उसको आप ले जा सकते हैं। इसी प्रकार कॉस्मेटिक उद्योग यानी प्रसाधन, जो सौंदर्य प्रसाधन का उद्योग है, उसके अंदर आप नेल पॉलिश है या आलता है जिनका उपयोग महिलाएँ बहुत मात्रा में करती हैं, उनके थोड़ी सी पूंजी में ही इस तरह के उद्योग घर में लगा के आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। जंगल बचाने और स्वरोजगार के लिए लाह की खेती के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। ग्रामीण लाह की खेती कर वन की रक्षा कर रहे हैं और रोजगार पा रहे हैं। वन पर आधारित उद्योग की काफी संभावना है। लघु वन पदार्थ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। हमारे यहाँ पे 3 विभाग हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण विभाग है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण विभाग। उसका मुख्य काम यही है कि किसानों को प्रशिक्षण देना। तो हमारे यहाँ जितनी भी तरह के, चाहे वो लाख की खेती करने के बारे में प्रशिक्षण हो, ये लाख की खेती करने के बाद क्या क्या उसे उत्पाद बनाए जा सकते हैं इसके बारे में प्रशिक्षण हो, उसकी उचित व्यवस्था है। ख़ास तौर पे जो किसान भाई खेती के बारे में प्रशिक्षण लेने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए 7 दिन का, और जो नहीं आ सकते हैं उनका हम खेत में ही जाके 1 या 2 दिन का प्रशिक्षण उन्हें देते हैं। इसी प्रकार जो किसान भाई उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए भी हम प्रशिक्षण देते हैं, चाहे वो प्रसंस्करण का उद्योग हो या उनसे चूड़ियाँ बनाने का हो या उससे नेल पॉलिश या आलता बनाने का हो। और उसके भी आगे अगर हम जाते हैं थोड़े से बड़े पैमाने पे, तो आजकल लाख का उपयोग सब्जियों और फलों के ऊपर लेपन करने के इस्तेमाल में भी काम होता है। ये लेपन करने के पश्चात सब्जियों और फलों के जो भंडारण है उसको आप देर तक रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप टमाटर पर लाख आधारित लेपन करते हैं, तो अगर उस टमाटर को आप बगैर लेपन के 3 दिन तक अगर घर में रख सकते हैं तो लेपन के पश्चात 6 दिन तक घर में रख पाएंगे, यानी वो जल्दी ख़राब नहीं होता है और उसको खाने से भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लाख को हम नॉन टॉक्सिक मानते हैं और इसको खाया जा सकता है बगैर किसी नुकसान के। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत से उद्योग हैं जिनको अपना कर किसान भाई अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अगर हम देखें तो हाल के दिनों में झारखंड में तेजी से लाख की खेती बढ़ी है। लाह की खेती वास्तव में स्वरोजगार के लिए एक बेहतर जरिया बन चुका है, और अगर हम ये भी समझें कि लाह की खेती से कैसे रोजगार बेहतर तरीके से हो, तो इसके लिए सरकार की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। झारखंड सरकार की ओर से सूबे के अति उग्रवाद प्रभावित और घने जंगली क्षेत्र वाले जिलों में लाह की खेती को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ग्रामीण बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पूंजी तथा बीज भी उपलब्ध करा रही है।
तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि लाह की खेती वैसे जगहों पर की जाती है जहां पर फसल की उगाही कम या फिर नहीं के बराबर होती है, और इस खेती को करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगे हैं। अब यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। यूं तो गाय का महत्व विश्व भर में है, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो प्राचीन काल से यहाँ पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान देती आई है, फिर चाहे हम दूध उत्पादन की बात कर ले या फिर काम आने वाले बैलों की। वहीं अगर हम संकर गाय की बात करें तो संकर गाय पर विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर ध्यान अच्छे तरीके से दिया गया तो 1.5 साल के अंदर ही बाछी पाल खाने लगती है, नहीं तो उनकी बार बियानी और दूध उत्पादन की क्षमता पर भी असर पड़ता है। तो चलिए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको यही दिखाते हैं कि संकर गाय का देखभाल किस तरह से करना चाहिए। अगर हम संकर नस्ल की गाय की बात करते हैं तो उसके देखभाल में कौन कौन सी बात का ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। मैं पशुपालक भाइयों को बताना चाहूँगा कि संकर नस्ल है क्या चीज़। पहले तो मतलब हमारे पशुपालक भाई ये जान जाएं संकर नस्ल क्या है। संकर नस्ल का मतलब होता है दुकाजी। दुकाजी का है कि ना वो देसी है और ना वो प्योर है, दोनों के मतलब मेल और फीमेल मतलब जो है बाहर से आकर के जो एक बाछी तैयार होती है, और जो बाछी में मतलब जो माँ बाप के गुण होते हैं उसको मतलब जो है मतलब संकर नस्ल कहते हैं। आज मतलब जितना भी मतलब आप देख रहे हैं, चाहे आप बोलते हैं जर्सी है, होल्स्टीन फ्रीजन है, करन स्विस है, ब्राउन स्विस है, ये सब जो हैं यहाँ संकर नस्ल है। संकर नस्ल को देखने के मतलब उसकी मतलब स्वास्थ्य को और उसके मतलब देखभाल करने के लिए आपको थोड़ा सा देसी गाय से हट कर के काम करना होगा, क्योंकि मतलब वो एक तो मतलब जो है सुकुमार होती है मतलब थोड़ा, तो आपको उसके वातावरण में उसके मतलब जो है गर्मी सर्दी मतलब इस माहौल मतलब को मतलब देख करके आपको मतलब जो है उसके संकर नस्ल को देखभाल करना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या है, संकर नस्ल की मतलब जितनी भी मतलब गायें हैं दूध देने में तो दूध तो अधिक देती हैं, तो उस तरह से उन लोगों को खाने पीने में भी मतलब उसके मतलब संतुलित आहार देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब दूध देती है तो संतुलित आहार देते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो संतुलित आहार को मतलब जो है कुछ कम कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको संतुलित आहार देना बहुत अति आवश्यक है। उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दूध उत्पादन के लिए आपको मतलब संतुलित आहार देना होगा। उसके गौशाला की मतलब लोग गौशाला की सफाई नहीं करते हैं। संतुलित आहार की बात की तो संतुलित आहार किसको कहते हैं और एक गाय को क्या क्या देना चाहिए संतुलित आहार? संतुलित आहार में माइक मतलब पशुपालक भाइयों को बता देना चाहता हूँ, संतुलित आहार वह आहार है जिसमें एक दिन में पशुओं को जिन जिन चीजों के खा मतलब भोजन में आवश्यकता होती है वह सभी चीज मौजूद हों, उसी को संतुलित आहार कहते हैं। अब ये मेरे पशुपालक भाई अच्छी तरह से जानते हैं, जिस तरह से हम अपने भोजन को संतुलन करके खा लेते हैं, दाल भात चोखा साग सब्जी, इसमें मतलब आपको बहुत सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह से उसके मतलब जो है खाने में वह सभी चीज़ मौजूद हों जो उसके मतलब शरीर को अति आवश्यक है, जैसे चुनी है, चोकर है, खली है, मिलन मिक्सचर है, नमक है। आप अगर पशुपालक भाई अगर आप मतलब नमक नहीं देते हैं तो आज से मैं मतलब यही कहूँगा, या तो अनुरोध ही कर सकता हूँ, या ये कहूँगा आज से आज संकल्प ले लें आप अपने सभी पशुओं को नमक जरूर दें। और देखभाल के लिए सबसे पहले मतलब आप सबसे पहले गौशाला साफ रखें, साफ सुथरा रखें,
जितनी ज़्यादा गंदगी होगी उतने ही आपके पशु मतलब अस्वस्थ हो सकते हैं। इसमें मतलब कुछ बीमारियां हैं छोटे मतलब गाय के बच्चे या भैंस के बच्चे छोटे बच्चे भी मतलब इससे मतलब ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए इसमें मतलब बीमारियों का भी मतलब जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हर साल मतलब पशुओं में टीकाकरण कराएं, बच्चों को और गाय को साल में तो मतलब डिवर्मिंग मतलब कृमि की दवा जरूर दें। कृमि की दवा देना अति आवश्यक है, हम लोग अगर नहीं देते हैं इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। पशु को समय पर गाभिन होना चाहिए, पशु को समय पर गाभिन होने के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है कि मतलब दूध देने के जैसे गाय आज ब्याही है तो उसके 2 महीने से 3 महीने के अंदर उसको मतलब जो है हीट में आ जाना चाहिए। अगर हीट में नहीं आती है तो आप मतलब एकदम सतर्क हो जाएं और उसमें मतलब जो है उसको या तो संतुलित आहार या मिलन मिक्सचर या अपने नज़दीक में मतलब किसी मतलब पशुपालन विभाग से मतलब किसी डॉक्टर से संपर्क करके उसको ज़रूर अवश्य दिखाएं। आप दूध पर निर्भर नहीं रहें, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप मतलब टीकाकरण के रूप में देखना है। सबसे पहले है पशुओं में मतलब कंठा रोग, फिर खुरपका मुहपका, फिर उसके बाद ब्लैक क्वार्टर है BQ जिसे जहरबात कहते हैं आप लंगड़ी बुखार कहते हैं, फिर मतलब कुछ थनेला रोग हो जाता है। इन सब चीज़ों को मतलब जो है बचने के लिए मतलब मैंने टीकाकरण को जो है अभी बात कर रहा था और कुछ मतलब जैसे कृमि के लिए आपको मैंने बता रहा हूँ। तो मतलब जहाँ पशुधन का अगर विकास करना है तो आप हमेशा याद रखिए कि पशुधन के विकास के लिए आपको मतलब ये मोर्टेलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मतलब गाय का बच्चा भैंस का बच्चा आप मतलब बोलते हैं बड़ी आसानी से कि मर गया, तो मरना नहीं चाहिए इसको। मतलब इसकी अगर आप देखभाल अगर ढंग से करेंगे तो ये मैं मतलब अवश्य बताऊंगा कि आपका पशुधन का विकास अपने आप स्वतः ही खड़ा हो जाए। डॉक्टर साहब, ये हम कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर है उसको हमको कम करना पड़ेगा, तभी पशुधन अच्छा पशुधन का विकास हो पाए। डॉक्टर साहब, अभी जो मौसम है बरसात खत्म होने वाली है, ठंड आने वाली है, तो मौसम परिवर्तन से भी देखते हैं कि जो संघर्ष की गाय हैं वो बीमार अक्सर हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बात ध्यान? मैं सबसे पशुपालक भाई जो संकर नस्ल की गायों को कभी भी आप मतलब दोपहर को मतलब जो है या तो मतलब आप तो गर्मी से मतलब अंदर लाते हैं उस समय नहीं नहलाएं, या तो सुबह नहलाएं या शाम को नहलाएं। अचानक मतलब उसके शरीर पर मतलब जो है बाहर से मतलब जब धूप से अगर निकल के आ रही है उस पर पानी नहीं डालें, इससे मतलब जो है वातावरण से मतलब उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है जिससे उसका होता है। पशुओं को मतलब जो है संकर नस्ल के पशुओं को उनके बच्चों को समय समय पर आपको मतलब हर समय मतलब ये देखना होगा कि मतलब हमारा पशु मतलब जो है खाना ठीक खा रहा है कि नहीं, स्वस्थ मतलब जो है पागुर कर रहा है कि नहीं, ये चीज़ें मतलब आपको देखनी होंगी। अगर आप नहीं देखेंगे तो मतलब आपका पशु धीमे धीमे ग्रसित होता चला जाएगा। डॉक्टर साहब, संकेत की जो गाय हैं जब गर्भावस्था में रहती हैं तो गर्भावस्था के समय कौन कौन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गर्भावस्था में मतलब पशुओं को ज़्यादा मतलब एक दूसरे से सट करके नहीं बांधें, खुले में बांधें और मतलब जो है खुली हवा में मतलब गौशाला होनी चाहिए जिससे कि मतलब जो है उसको किसी तरह का मतलब जो है प्रॉब्लम न हो। और खाने में क्या देना चाहिए? और खाने में मतलब उस समय मतलब जो है कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं करना चाहिए, जो आप मतलब जो दाना पानी दे रहे हैं उस मतलब उसके भोजन में कोई ही बदलाव न करें। बदलाव करने से कभी कभी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कोई भी बदलाव न करें और बीच बीच में डॉक्टर की सलाह लेते हुए आप मतलब जो है चेक करवाते रहें। मैं यही कहूँगा कि जितने पशुपालक भाई हैं अपनी संकर नस्ल की गाय या मतलब जो भी आपके पास पशु हैं या मतलब जिसको आप मतलब रखे हुए हैं उनकी मतलब गौशाला मतलब जो है साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए और बच्चों को मरने से बचाने के लिए डिवॉर्मिंग मतलब कहने का मतलब है कृमि की दवा साल में कम से कम 2 बार जरूर दें जिससे कि मतलब आपके पशुधन का विकास होगा और आप मतलब जो है 1 गाय से 2 गाय 2 गाय से 3 गाय आप आराम से मतलब जो है बना सकते हैं और खड़ा कर सकते हैं। तो देखा आपने किसान भाइयों, जो हमें डॉक्टर साहब ने बताया उन बातों पे निश्चित रूप से आप पालन करेंगे तो जो आप संकर नस्ल की गाय पाल रहे हैं उससे अधिक पैदावार दूध का होगा और आप अच्छा उससे आमदनी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर किसी तरह की कोई जानकारी हम तक पहुंचानी हो या फिर हमसे किसी तरह की कोई जानकारी हासिल करनी हो तो हमारे इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निर्देशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या है 8340001। दीजिए इजाजत, नमस्कार।